हेलो जय श्री राम, कैसा है आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, बाबू अभी पूजा करने के लिए बैठा हुआ है। घर में झंडा गड़ाता है तो बाबू उसी के लिए बैठा है। और पूजा वगैरह करने के बाद दोस्तों, फिर हम लोग खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरा गला आप सुन सकते हैं कि कैसे बैठा हुआ है, तो इसी में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम लोग सो गए थे। और फिर हम लोग सोने के बाद शाम का 4 साढ़े 4 बजे लगभग हम लोग फिर मेला के लिए चले गए ऊपर पहाड़। और यहाँ देखिए दोस्तों, बाबू का टीका हो गया। टीका करने के बाद फिर ये बाबू अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। फिर देखिए बाबू अभी माथा टेक लेता है। माथा टेकने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इधर बच्चों को खिलौना के तरफ। बाबू जिद कर रहा था कि मुझे गाड़ी लेना है, तो हम लोग उधर आ जाते हैं। तो बाबू को वो वाइट वाली गाड़ी पसंद आ गई, तो बाबू वो वाइट वाली गाड़ी लिया। और इतना ज़्यादा भीड़ था ना, बता नहीं सकती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है और कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, इतना ही ज़्यादा भीड़ था। देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ है, पैर रखने का भी जगह नहीं था, एकदम इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब कोई अपना अपना झंडा लेके फिर यहाँ पे डांस हो रहा था। पूरे 2 साल के बाद जाके यहाँ पे मेला लगा है, तो इस साल ना बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर तील तलवार होने के बाद फिर सबको उधर स्टेज लगा हुआ था, तो उधर सबको स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और हम और बाबू और ये अन्नू है ये भी, और फिर हम लोग सब कोई जाते हैं उधर स्टेज की तरफ। छोटा सा स्टेज था, वहीं पे प्रोग्राम हुआ रात में। हम लोग मेला वगैरह घूम के हम लोग शाम को तो घर आ जाते हैं। फिर ये देखिए मंदिर के आगे सब कोई झंडा लेके खड़े थे। और इधर पानी टैंकी वगैरह सब लगा हुआ था और सब कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं घूमने के लिए। नज़ारा बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा हमारा पहाड़ का मेला और हम लोग का मंदिर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए दोस्तों, पहाड़ मतलब पहाड़ का हर एक तरफ से आदमी लोग आ रहे थे। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है पहाड़। ऐसा ज़्यादा बड़ा मेला नहीं लगता है, छोटा मोटा वही मेला लगता है, बच्चों का खिलौना वगैरह यही सब ही लगता है। लेकिन आदमी इतना ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, बाबू ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा था क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे देखिए तलवार हो रहा था, इसी जगह स्टेज बना हुआ था और तिल तलवार यहाँ पे हो रहा था। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग अभी आ गए कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए। मिठाइयाँ लेने के बाद फिर देखिए बाबू अपना गाड़ी को दिखाता है। वो जिद करता है कि मुझे गाड़ी खोलना है और खेलना है। फिर देखिए यहाँ पे और बाकी गांव के आदमी लोग भी अपना अपना झंडा लेके आ रहे थे। और इतना बड़ा बड़ा झंडा था दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इस बार का मेला। देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी लंबी झंडा है, इतना लंबा लंबा झंडा है कि कैमरा में भी कैप्चर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़ा सब बज रहा है, सब कोई अपना अपना जो होता है तिल तलवार का वो सब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हर साल मेला लगता था लेकिन अभी बीमारी की वजह से 2 साल तक नहीं लगा, और इस साल लगा था। इस साल बहुत ही ज़्यादा भीड़ था मेला में। फिर देखिए दोस्तों, फिर अब शाम हो गया, मतलब शाम हो गया था, तो हम लोग अभी घर आ रहे थे। शाम हो गया था देख सकते हैं आप लोग, तो हम लोग सब अभी घर आ जा रहे थे दोस्तों।
मेला घूमना वगैरह हो गया। और इधर देखिए पुलिस वगैरह सभी खड़े थे ताकि कोई दिक्कत ना हो बोल के। और देखिए बाबू अपना गाड़ी को खेलते खेलते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं घर के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में करती हूँ यहीं पे तो दोस्तों आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।